ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो वट एवर, करेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना, कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। बाहर से दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की सबकी आदतें क्या है? शो ऑफ है कि नहीं? इसको समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा। हमारी सबकी आदत है शो ऑफ, अंदर से खोखले हैं, बाहर से पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जैसे उससे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो? जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा, उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, वो जुनून नजर आएगा, वो फितूर नजर आएगा, वो पैशन नजर आएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। आप समझ गए ना? एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हो, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुपचाप भी बैठे होंगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा होगा, इस दुनिया को एक स्पार्क नजर आएगा। वो कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। अभी बोलने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, हो सकता है, बट मेरे साथ साथ में आप बोलोगे और इससे क्या होगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार बोलते हैं एक बार साथ में, और अंदर तक फील करके बोलना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना, मुंह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं। एक है अंदर से कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। फील करो, आंख बंद करना चाहते हो बंद कर लो, फील करो, ये कोई छोटी चीज नहीं हो रही है। अगर ये अंदर तक चली गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप खुद नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते क्या होगा। फील करके, ठीक है ना? मैं पूरा फील करके बोलूंगा, आपको मेरे साथ साथ में फील करके बोलना है, इसको फील करना इंपॉर्टेंट है। आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। I am the greatest person, ever born on this planet. I am the greatest person, ever born on this planet. I am the greatest person, ever born on this planet. I am the greatest person, ever born on this planet. I am the greatest person, ये अपने अंदर लेकर के आ जाओ। इससे होगा क्या? अगर आप ये कर पाए तो अपने आप को शीशे में देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। एवर का मतलब समझते हो? मतलब एक तो हमने बोल दिया इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब कि जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? मैं हूं। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से, ये हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए ऐसे बन नहीं पाते। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना ही तो बड़ा ही सोचते हैं ना, और थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है? सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचो ना, है कि नहीं? ऐसे सोचो तो अब क्या होगा? अगर ये बात आपके अंदर उतर गई, आपने शीशे में अपने आप को देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, एवर मतलब पिछले हजारों लाखों सालों में जितने भी लोग आए हैं, करोड़ों अरबों लोग आए हैं, सब में से आई एम द ग्रेटेस्ट। अभी जितने भी लोग हैं उसमें से आई एम द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन है? वो नहीं जो कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को भी ठीक रखना अपने माइंड में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो कौन है ग्रेटेस्ट? वो डॉक्टर जिसका नाम बहुत ज्यादा है, या वो डॉक्टर जिसका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? पकड़ लो इस बात को। चाहे नाम बड़ा नहीं है, मतलब कि आप एक टीचर भी हो सकते हो, लेकिन अपना जो टीचिंग का काम है
वो इतने अच्छे से आप कर रहे हो कि अंदर तक आपको पता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट. क्यों? क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं अपने काम को एंजॉय करके करती हूं, मैं अपने काम को पूरे पैशन के साथ करती हूं. जो मेरे पास में आता है मैं अपनी तरफ से अपना 100% लगाती हूं उस काम में. यू आर द ग्रेटेस्ट, इसमें शक क्या है? यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या? वो जो अपने काम को अपनी तरफ से अपना सब कुछ डाल दे उस काम में, वो ग्रेटेस्ट है. और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? है ना? तो ऐसा कुछ आना चाहिए आपके अंदर से. ये चीज मेरे अंदर से आती है, अब मुझे बोलनी नहीं पड़ती है, मतलब मेरी आंखों में नजर आती है. मैं खुद भी अपने आप को शीशे में देखता हूं तो आंखों में दिख रहा होता है, आई एम द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशनल स्पीकर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट. ये बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों में. नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता. मुझे तो वो लगता है, अबे वो तेरी प्रॉब्लम है. समझ गए ना? मुझे नहीं लगता. दुनिया को कोई कहेगा हाँ मुझे लगता है, कोई कहेगा मुझे नहीं लगता है. दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम. मेरा जो आउटलुक है, यानी कि मेरी जो खुद की नजर है खुद को देखने की, वो ये है और वही मैटर करती है. दुनिया की नजर में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो बैठ करके, या फिर अपनी लाइफ से दुखी हो. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं, दुनिया की नजर से देख रहे हैं. दुनिया कभी उनको चढ़ा देती है, कभी गिरा देती है. दुनिया का तो काम ही यही है. और काम क्या है दुनिया का? और कोई काम है क्या? काम ही यही है, उनको मजा इसी में आता है. एक बंदे को चढ़ा दिया पहले तो चने के झाड़ पे, उसके बाद में बिल्कुल ही गिरा दिया, फिर ऐसे करके रगड़ दिया उसको, और बंदा रो रहा है बैठ करके. क्यों? क्योंकि दुनिया के चढ़ाने से वो चढ़ गया. आप ऐसा करो ही मत. ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को ठीक रखो. आई एम द ग्रेटेस्ट क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे बोलेगी नहीं, यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, यू आर द वर्स्ट. मान लो यू आर द वर्स्ट, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? दुनिया से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है. मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या हूं. और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे, उनको कुछ अलग ही नजर आएगा आपके अंदर. यू विल बिकम लाइक अ मैग्नेट. वैसे लोग मैग्नेट्स होते हैं क्योंकि उनमें एक कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही होती है. सबको एनर्जी अच्छी लगती है. किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं क्या? बैठे अपनी लाइफ के दुखड़े रो रहे हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? या वो लोग जो चार्ज्ड अप है, जो चार्ज्ड अप है पूरी तरह से? तो चार्ज्ड अप कैसे होते हैं? अंदर से इंस्पायर्ड कैसे होते हैं? हमारे अंदर से एनर्जी कैसे निकलती है? रेडिएट कैसे करती है एनर्जी? कैसे हम ऐसे बन जाते हैं कि लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं? कि अगर आप बिजनेस करोगे तो जो लोग आपके साथ जुड़े वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं. आप कहोगे छोड़ दो भैया, छोड़ दो, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे हो जाओगे. ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको सोच करके अपने साथ में लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि आपको अंदर तक ये पता होगा कि जो मेरे साथ एक बार जुड़ा वो कहीं नहीं जाने वाला. समझ रहे हो इस बात की डेप्थ को? पकड़ पा रहे हो जो बात मैं बोल रहा हूं? अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं. कि मतलब आप ऐसे बन सकते हो. और इस सबकी शुरुआत कहां से होगी? ऐसे बनने की शुरुआत कहां से होगी? आप बनना चाहते हो ऐसे या नहीं बनना चाहते? पहला तो सवाल ये है. यस सर. नो. यस सर. तो कैसे बनोगे? आप खुद को जिस नजर से देखते होगे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी. बड़ा सिंपल है. धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? यस सर. उसका एटीट्यूड देखा है? यस सर. समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में? जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना, कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तू बस रन आउट मत करवा दियो. एटीट्यूड देख रहे हो? कि उसको पता है कि मैं क्या हूं. दुनिया को नहीं पता है, बट उसको पता था अंदर से कि मैं क्या हूं. आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? आपकी टीम कैसे एक्साइटेड होगी? सोचने वाला पॉइंट है. समझ आ रही है बात? कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे, या बिजनेस नहीं मान लो जॉब भी करने वाले हो, लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के, और आप बोल रहे हो कि मेरी जो टीम है वो मोटिवेटेड नहीं रहती है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते हैं. कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी ना.
इसका मतलब मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में मुझे बेस्ट होना है। बेस्ट दुनिया की नजर में नहीं, अपनी नजर में। सब कुछ मतलब सब में ग्रेटेस्ट होना है। दैट आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट फादर एवर। अभी तो आप लोग ये सोच नहीं पाओगे, फिलहाल ग्रेटेस्ट सन सोच सकते हो, डॉटर सोच सकते हो। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हो सकता है इमीडिएटली ना बन पाओ, लेकिन अगर बोलते रहे तो आज नहीं तो कल बन जाओगे। आई एम द ग्रेटेस्ट डॉटर, आई एम द ग्रेटेस्ट सन एवर। हो सकता है अभी आपको अपने पेरेंट्स के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाना पड़े, क्योंकि वो कुछ और बोलेंगे, करने के लिए आपको कुछ और करना पड़े, बड़े प्यार से उनका थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करना पड़े, कुछ भी करना। हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो दुखी भी हो जाए, लेकिन अगर बार बार अपने अंदर से बोलते रहे आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, ग्रेटेस्ट पर्सन, तो क्या होगा, आज नहीं तो कल आप एक ग्रेटेस्ट सन या डॉटर भी बन जाओगे, ग्रेटेस्ट हस्बैंड या वाइफ भी बन जाओगे। ग्रेटेस्ट पर्सन मतलब क्या, कि जब मेरे अंदर से जो आ रहा है तो आई हैव द करेज टू गो फॉर इट नो मैटर वॉट, देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। तो आपको दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं पाएगी, कहीं पर भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हर जगह पर आपके अंदर कुछ नजर आ रहा होगा लोगों, आपकी जो एनर्जी होगी वो इन्फेक्शियस होगी। आप जो भी काम करोगे अगर अंदर तक ये बैठ गया आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, लोग पागलों की तरह आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं, डर लगता है बोलने में, हिम्मत ही नहीं है बोलने की। तो जो मीडियोकर है वो किसके साथ जुड़ेगा जाकर के, वो जुड़ना चाहेगा ग्रेटेस्ट के साथ। जो मीडियोकर आदमी होगा वो क्या बोलेगा कि मेरी जॉब लग जाए उस बड़ी कंपनी में, क्यों, क्योंकि दैट कंपनी इज द मोस्ट सिक्योर कंपनी टू बी इन, दैट कंपनी इज द ग्रेटेस्ट कंपनी इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, है कि नहीं। जैसे कई बार आपने नोट किया होगा, आपके अगर मैं स्कूल से ही रिलेट करके एग्जांपल बताऊं, कि जैसे सेक्शंस होते हैं अलग अलग, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहां पर जो क्लास टीचर है वो कमाल की होती है या होते हैं। सबका मन करता है कि उस क्लास में किसी तरह से चले जाएं, होता है नहीं होता है। yes, ये बेसिक साइकी है। ये अगर बातें आपको समझ आए तो बड़ा मजा आएगा लाइफ को जीने में। तो आपके पास में दो चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि आप अपने से जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं उनके साथ जाकर के लाइफ में जुड़ते रहो, या खुद पावरफुल हो जाओ, है कि नहीं। या तो ये है कि एक बड़ी सी छतरी यानी कि जो ग्रेटेस्ट अम्ब्रेला है उसके नीचे जाकर के खड़े हो जाओ और कहो कि आह मैं बारिश से बचा हुआ हूं, या खुद वो अम्ब्रेला बन जाओ। व्हाई नॉट, आई एम दैट अम्ब्रेला, अ ह्यूज अम्ब्रेला जिसके अंदर हजारों लोग आ सकते। अपने आप से बार बार बोलो व्हाई नॉट, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाई नॉट। बिल्कुल सिंपल बात है ये, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि अगर आप अपने आप को माइंड में बोलते चले जाओगे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आज नहीं तो कल आपकी आंखों में वो दिखने लग जाएगा। झूठ भी है, मान लो अगर अभी आपको झूठ भी लग रहा है तो आज नहीं तो कल आपको खुद को सच लगने लग जाएगा। जैसे ही आपको खुद को सच लगेगा तो आपके आसपास वालों को भी नजर आने लग जाएगा। फिर जब आप लाइफ में कुछ कर जाओगे ना बड़ा, तो सब लोग एक एक करके आएंगे, कहेंगे मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था इस लड़के में कुछ कमाल का है, इस लड़के में कुछ कमाल का है। और एक्चुअल में पता होता है, दिख रहा होता है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो इतना मैटर नहीं करता है। हो सकता है कोई बहुत चुप रहता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, मुझे देख करके लोगों को लगता नहीं होगा, बट आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट। मैं नॉर्मल अपनी लाइफ में ज्यादा चकड़ चकड़ नहीं करता हूँ। लेकिन जब बैठा होता हूँ अकेले में, साइलेंटली बैठा होता हूँ, तो जो अपने आप को बोल रहा होता हूँ वो कुछ कमाल का होता है। खुद की नज़र में मैं जैसे अपने आप को देखता हूँ वहां पर कुछ कमाल का है। आज से नहीं है, बहुत सालों से। जब इस तरह की सोच बनती चली जाएगी तो एक्चुअल में आप कुछ कमाल का कर जाओगे। और कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। फर्क क्या होगा, यहां पर अभी 60 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से मान लो 10% लोग ऐसे होंगे जो कुछ सही में कुछ कमाल का कर जाएंगे। 6 लोग होंगे इन 60 में से, वो 6 लोग कौन होंगे, हाथ तो ऊपर कर रहे हो लेकिन कौन होंगे वो 6 लोग, ये सोचने वाला पॉइंट है। वो होंगे जिनके अंदर ये बात घुस गई है, जिनके दिल में और दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है,
आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं जो हो सकता है अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है, जैसा जो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन रहा होता है। तो मैं ये जानता हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, तो उस बंदे के एक्शंस कैसे होंगे? लगाओ दिमाग, उसके एक्शंस कभी भी छोटे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ये जानते हो आई एम द ग्रेटेस्ट और कोई छोटी बात करो? नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल। फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक बन नहीं जाते हो तब तक अपने आप से एक झूठ बोल दो। जब तक ये समझ नहीं आ जाती आपको मेरी बात, जब तक अंदर तक इस बात को जान नहीं जाते हो कि जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? चाहूं तो कर सकता हूं, चाहूं तो कर सकती हूं। तो अपने आप को बार बार शीशे में देखना है, सुबह उठ करके या दिन में या रात में, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो पागल खाने जाओगे सारे के सारे, ठीक है? अकेले में, मन में, दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से चीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने आप को शीशे में देखो, बोलो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? वो जो पर्सन है। ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? वो जो ह्यूमन है, समझ गए ना, जिसके अंदर इंसानियत है, जो मशीन नहीं है, जो पैसा मैन्युफैक्चर करने की मशीन नहीं है। पैसा मैन्युफैक्चर मशीन से कैसे करते हैं? 8 घंटे के लिए मशीन चला दो, उसको करके ये काम होगा, वहां से पैसा आएगा, मशीन ही तो है वो। तो मैं कोई मशीन नहीं हूं पैसा मैन्युफैक्चर करने की, नौकरी करो वहां से पैसा आएगा और बस जीता रहूंगा, नहीं। आई एम नॉट अ मशीन, आई एम अ ह्यूमन बींग, आई हैव इमोशंस इन मी, आई हैव फीलिंग्स इन मी, और सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस नहीं समझता, दुनिया के भी समझता हूं। मैं अपने काम को अच्छे से करता हूं, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता, अपने काम का मैं मास्टर हूं, अपने काम को मैं उस लेवल तक लेकर के जाने वाला हूं जिस लेवल तक आज से पहले कोई लेकर के गया नहीं है, और बल्कि उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ले जाना चाहता है उस काम को उस लेवल पे, उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, कुछ ना कमाल का कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। अगर ये चीज अंदर तक बैठ गई, आपकी आंखों में ये चीज नजर आने लग गई, आपके एक्शंस में ये चीज धीरे धीरे उतरने लग गई, लोगों को दिखने लग गया, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ में खड़े होंगे। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे अभी भी याद है, जब कुछ बहुत टफ डिसीजंस लेने थे, मतलब कि घर में जहां पर हम सब रहते थे, तो एक ऐसा टाइम था जब मुझे स्टूडियो के लिए बाहर जगह लेने में, रेंट में उतना पैसा नहीं था, एक एक रुपये इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि अब आप सब ऊपर शिफ्ट हो जाओ, नीचे मुझे स्टूडियो बनाना है। तो उस टाइम पे साफ मना कर दिया मेरे फादर ने, कहा बस बहुत हो गया, तेरी जितनी बदतमीजी थी हमने सारी बर्दाश्त कर ली, अब नहीं, अब नहीं। तो उस टाइम पर मेरी आंखों में दिखा उनको, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जा करके उनको बोला, मैंने कहा देखना क्या हो, मुझे पता है क्या होने वाला है, मुझे करने दो आप, कुछ महीने की बात है। डर आ ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं एक्चुअल में जो सोचता हूं ना अपने बारे में, वो मैं बोल नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डर जाओगे, मैं इस दुनिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। नहीं, मैं अपने बारे में जो सोचता हूं, अगर वो मैं आप लोगों को बोलूंगा तो आप कहोगे बंदा बहुत ईगोइस्टिक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत रिफाइन करके कर रहा हूँ, बहुत कम लेवल पे ले जा करके आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं क्या था और क्या हूँ वो मैं आपको बता नहीं सकता। लोग कहेंगे कि यार ये तो बंदा ईगोइस्टिक है। ईगो नहीं है ये, दिस इज नॉट ईगो, दिस इज कॉन्फिडेंस। मतलब मैं बोलता नहीं हूँ कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई नो आई एम द ग्रेटेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस। आई एम द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं हूँ। लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आपसे बड़े एंटरप्रेन्योर बहुत है, अबे तेल लेने जाओ। तुम क्या सोचते हो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मिल्ड एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है? कि एक काम को, ऐसे काम को किया जाए जिस काम को करने में आपको मजा आता है, सिर्फ पैसा नहीं मिलता है वहां से, और उस काम से मुझे क्या मिले, टाइम मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं तो मैं नौकरी करता ना। टाइम मिले, उतना टाइम जितना मैं चाहता हूं,
पैसा मिले उतना जितना मैं चाहता हूं, फ्रीडम मिले पूरी, जो मैं करना चाहता हूं वो कर सकूं, कोई आकर के मुझे बोल ना सके कि ऐसे करो वैसे करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सेटिस्फैक्शन. आई मस्ट बी 100% सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नो आई एम द बेस्ट एट इट. ये कोई ईगो नहीं है, आई नो दैट, इट्स अ फैक्ट, आई नो माई सेल्फ. ठीक है ना, ऐसे होता है. ऐसे ही जब लाइफ में वो जो मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा था, जब वो मेरे फादर ने मुझे जब बोला, उन्होंने साफ मना कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं, मैं आराम से जाकर के उनके पास में बैठ गया और मेरी आंखों में नजर आ रहा था, आप देखो मैं क्या करता हूं, आराम से देखो. और सच बताऊं, बिल्कुल सच, 0% डर था मेरे अंदर. डर क्या है मुझे पता ही नहीं है, आज भी नहीं पता है, तब भी नहीं पता था. क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट. भाई मैं क्या करूं, मैं हूं, मेरी क्या गलती है इसमें? अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं तो हूं, अब मैं क्या करूं? इसको आप ईगो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे पता है मैं क्या हूं अंदर से, समझ रहे हो? तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए. थैंक यू सो मच.